मेगा इंडस्ट्रियल एक्सपो और बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव खासदार इंडस्ट्रियल फेस्टिवल एडवांटेज विदर्भ 27 से 29 जनवरी 2024 तक आयोजित किया जा रहा है और इसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। विभिन्न सत्रों के लिए डिजाइन किए गए डोम तैयार है और तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई। एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ईडी के अध्यक्ष आशीष काले और सचिव डॉक्टर विजय शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए व्यक्त किए। एमपी इंडस्ट्रियल फेस्टिवल एडवांटेज विदर्भ ने एक्सपो की तैयारियों के बारे में जानकारी देने के लिए गुरुवार को भाग लेने वाले संगठनों और विशेष स्टॉलों के निर्माताओं के साथ एक इंटरैक्टिव कार्यक्रम का आयोजन किया। एडवांटेज वेदर में शैक्षणिक सत्र में वरिष्ठ वैज्ञानिक, स्टार्टअप सत्र में मामा अर्थ के सीईओ अनिल काकोड़कर, वरुण अलग और गजल अलग, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर चर्चा में ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के साईराम मेहरा, जोमैटो के सीईओ राकेश रंजन, टेक महिंद्रा के सीईओ सीपी गुरमानी। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण चितड़े बंधु उद्योग के जितेंद्र शर्मा, इंद्रनील चितड़े होंगे। इस अवसर पर स्टार्टअप क्षेत्र के समन्वयक डॉक्टर शशिकांत चौधरी, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के समन्वयक राजेश रोकड़े, दुष्यंत देशपांडे आदि ने अपने सेक्टर के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। विदर्भा ये एक इंडस्ट्रियल एक्सपो है और साथ ही साथ इसके बिजनेस कॉन्क्लेव और इन्वेस्टमेंट सेमिनार है। इतने बड़े लेवल पे पहली बार ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये संकल्पना श्री नितिन जी गडकरी की है और हमारी संस्था जो है एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसने ये ऑर्गेनाइज किया है 27, 28 और 29 जनवरी को। 250 से अधिक स्टॉल्स है यहाँ पे, करीब करीब 43 सेक्टर के, और 90% से ज़्यादा भी जो स्टॉल्स है वो विदर्भा के इंडस्ट्रीज़ के हैं। आपको यहाँ पे विदर्भा की इंडस्ट्रीज़ की जो वैरायटी है, जो क्वालिटी है और जो स्ट्रेंथ है वो देखने को मिलेगी। साथ में 3 दिन के बिजनेस सेमिनार्स है, करीब 21 सेक्टर्स ऐसे हैं जो विदर्भा में बहुत अच्छे लेवल का काम ऑलरेडी कर रहे हैं और आगे इनमें अच्छा काम और हो सकता है। हमारे यहाँ की इंडस्ट्री इन सेक्टर की ग्रो कर सकती है और नई इन्वेस्टमेंट भी इन सेक्टर्स में आ सकती है, उसके ऊपर हमारी संस्था ने प्रयास किया है। और हमारे जो कन्वेनर्स हैं, इन्होंने बिजनेस सेशंस जो प्लान किए हैं, नेशनल और ग्लोबल रिप्यूट के बिजनेस लीडर्स, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेटेजिक थिंकर्स, एक्सपर्ट्स, ये सब आ रहे हैं। और 3 दिन तक ये यहीं पे, हमने 4 मीटिंग हॉल्स बनाए हैं जिनमें ये मीटिंग्स प्लान हुई है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सिटीजन्स ऑफ नागपुर, विदर्भा, ऑल स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन एंड उनके नेक्स्ट जनरेशन को कि ये 3 दिन ज़रूर आए। ये यूनिक इवेंट है और यहाँ आके डेफिनेटली लर्निंग्स होगी, नए बिजनेस के आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखेंगे, अपना बिजनेस कैसे बढ़ाना है इसकी भी सीख मिल सकती है। सो AID की तरफ से मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ कि आप आइए और एडवांटेज विदर्भा में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। मैं हमारे जो AID के सेक्रेटरी है डॉक्टर विजय शर्मा, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके बारे में आपको 2 मिनट डिटेल्स दें। क्या है, देखो विदर्भ के बच्चे बाहर जाके एक्सेल करते हैं, चाहे फार्मा हो चाहे IT हो, हमारे बच्चे यहाँ से जाते हैं बाहर और वो एक्सेल करते हैं। यदि वो अपॉर्चुनिटी यही मिल जाती है तो कोशिश ये है कि यहाँ की इंडस्ट्री स्केल अप करे, बाहर की इंडस्ट्री आए, यहाँ जो रिसोर्सेज लोकल अवेलेबल है उसका पूरा यूटिलाइजेशन हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिसोर्स हो या और भी कोई साधन हो, जिससे यहाँ पर स्केल अप होगा। तो अब देख रहे हो आप, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया है अपने यहाँ का और विदर्भ को अब नो मोर इस प्रकार का टैग लगेगा कि यार हम तो पिछड़े हैं, प्लीज़ आ जाओ। अब ऐसा नहीं होगा, हम तो ये कहेंगे हम ऑलरेडी कर रहे हैं, अगर आपकी भी इच्छा बढ़ने की है तो हमारे साथ आ जाओ। दैट अप्रोच एडवांटेज विदर्भ के बाद आने वाला है। इसमें एक सबसे अच्छी बात में जो मैंने अभी अंत में कही भी थी कि यूनिवर्सिटी, IIM, ये जो इंस्टीट्यूशन है ये बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं हमारे साथ, वो MOU कर रहे हैं बच्चों को। देखो एक बात तो मान के चलो कि एकेडमिक डिग्री के बाद बच्चे एम्प्लॉयबल होने में टाइम लगता है, वो ट्रेनिंग यदि हमारे यहाँ होती है यूनिवर्सिटी, IIM और दूसरे इंस्टीट्यूट द्वारा, तो बड़ा अचीवमेंट होगा। आप लोग बच्चों तक पहुँचे और प्रयास करें कि आपकी चैनल के माध्यम से आप बच्चों को, खासकर इंजीनियरिंग के और MBA के जो स्टूडेंट्स हैं, हालांकि ग्रेजुएशन के लिए अभी जो एविएशन वाले आए हैं वो कुछ सिलेबस ऐसे प्लान कर रहे हैं नागपुर यूनिवर्सिटी के साथ कि BCom BA BSc बच्चे भी उसको अडॉप्ट कर सकते हैं और एविएशन के सर्विस में जा सकते हैं। एविएशन का मतलब केवल मेंटेनेंस इंजीनियरिंग यही नहीं है, प्लेन उड़ाना ही नहीं है, पीछे का जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें भी एम्प्लॉयमेंट बड़े लेवल पर लगता है। तो ये सब चीज़ें हमारी कोशिश चल रही है, आप लोग अगर साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से ये सब तक पहुँचेगा और सबको इसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
दोपहर के सत्र में इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। इसमें एसोसिएशन फॉर एडवांटेज विदर्भ के उपाध्यक्ष एडवोकेट गिरधारी मंत्री ने उपस्थित निवेशकों से बातचीत की। एडवांटेज विदर्भ मार्ग की भूमिका के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने युवाओं से इस पहल में भाग लेने की अपील की। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।